जो हम बात करेंगे आईआईटी धनबाद के बारे में, या फिर इसे पहले आईएसएम धनबाद भी बोलते थे, ठीक है। तो आईएसएम धनबाद में इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, तो इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू या फिर रिटर्न टेस्ट होगा, अगर होगा तो किन ब्रांचों में होगा, इसकी मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा इस पर जो है एक वीडियो बना दूँ। तो आईएसएम में धनबाद के बारे में है, तो ये आपका आईएसएम धनबाद का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, तो यहाँ से आप लोग आके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन ही चुका है, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें केवल मैं बात करूँगा कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, तो जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है फॉर गेट कैंडिडेट्स एंड आईटी ग्रेजुएट, तो आपका जो गेट कैंडिडेट हैं, गेट कैंडिडेट के लिए द एडमिशन टू डिफरेंट एमटेक प्रोग्राम्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर गेट स्कोर। गेट स्कोर फॉर गेट कैंडिडेट, यानी जो गेट के कैंडिडेट हैं केवल उनका गेट के स्कोर पे होगा। कोई देयर विल बी नो इंटरव्यू इन आईटी धनबाद, ठीक है। आईटी धनबाद में आपका जो है कोई इंटरव्यू नहीं होगा। फॉर आईटी ग्रेजुएट्स, जो लोग आईटी ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग आईटी से अपना बीटेक किए हैं, उनका केवल जो एडमिशन होगा एमटेक प्रोग्राम में, वो केवल सीजीपीए के बेस पे होगा, यानी कि सीजीपीए बेस्ड केवल उनका जो है हो जाएगा। जैसे 8 सीजीपीए जनरल कैटेगरी है तो उनका 8 सीजीपीए होना चाहिए, उनको एडमिशन मिल जाएगा आसानी से आईटी धनबाद में, ठीक है। और जो गेट कैंडिडेट है उनका केवल गेट स्कोर पर होगा, ठीक है। इन केस ऑफ इक्वल गेट स्कोर, द ओल्डर कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ विल गेट प्रेफरेंस, यानी इनके साथ इक्वल गेट, अगर गेट स्कोर मान लीजिए इक्वल है, जिसे आपको मान लीजिए कट ऑफ जैसे 485 गया है, ठीक है, किसी ब्रांच का 485 तुम्हारा भी है, 485 मतलब बहुत से लोगों का है, तो उसमें जो प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका जो है डेट ऑफ बर्थ जिसका ओल्ड होगा, यानी कि जो लोग ज़्यादा मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, और जिसकी एज कम है उसकी जो है एज उसका जो है प्रेफरेंस कम मिलेगा, तो जिसकी एज ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये आपका आईटी ग्रेजुएट के लिए होगा, गेट कैंडिडेट के लिए होगा। अगर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, जो लोग स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं उनमें केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है, बस कि उनके केवल रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और कोई और जो है किसी भी सेक्शन में जो है इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि आईटी ग्रेजुएट भी हो या फिर गेट कैंडिडेट है तो उसमें जो है इंटरव्यू नहीं होगा। तो छोटी सी वीडियो थी, और हाँ एक वीडियो जो है मैं इसके कट ऑफ के बारे में बता चुका हूँ, आईएसएम का मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड कितना रहता है। जो लोग इसमें कन्फ्यूजन है कि मेरा मतलब कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग गेट स्कोर वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको मैं जो है आपको बताऊँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।